भी न्यूज चैनल को देखिए, एक हफ्ता तक देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये बता रहा है या कहीं और भटका रहा है। आप खुद तय कीजिए कि जो एंकर बैठा है उसके पास बताने के लिए कुछ है भी, क्या वो बहुत मेहनत से खोज कर लाया है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो वो रिपोर्टिंग करके लाया है उसमें मेहनत है या नहीं है, उसमें नई जानकारी है या नहीं है। अगर नई जानकारी वो नहीं दे रहा है, सिर्फ भटका रहा है, तो ये आपके वो वहां बैठकर आपके सामने आपको बिठाकर आपका, आपकी नागरिकता का, आपके नागरिक बोध का अपमान कर रहा है। तो ये मुमकिन है कि इसी व्यवस्था में जो हमसे वादा करती है, जो हमसे कहती है कि हम बाजार की व्यवस्था है और हम सबको बराबरी से खेलने का, इसमें भागीदारी का मौका देते हैं, हम ये उससे वादा खिलाफी है। ये हमको समझना पड़ेगा कि हम दिनों दिन हर पल हर घंटे अपनी भारतीयता, अपनी नागरिकता गवाते जा रहे हैं, न जाने किस डर की वजह से। उस डर से आपको आजादी मिली होती तो मिल चुकी होती। अपने आसपास की डराने वाली शक्तियों को पहचानिए और उनको दूर कर दीजिए। चाहे उनके पास लाठी हो, डंडा हो और करोड़ों लोगों की भीड़ हो, इन डराने वाली शक्तियों से आजादी पाने का वक्त है। और ये संघर्ष बहुत लंबा है, बहुत मुश्किल है। समझना पड़ेगा कि क्यों हमारे साथ, क्यों हम अपनी आवाज, क्यों हम अपनी बुलंदी गवाते जा रहे हैं, क्यों एक कार्यक्रम में आने के लिए डर पैदा हो जाता है। मैं जब नागपुर के लिए चला, बहुत सारे दोस्तों ने कहा, नागपुर जा रहे हो, संभल कर रहना। मैंने कहा कि तुम्हें उस नागपुर के बारे में पता है जो अखबारों में छपता है, उस नागपुर के बारे में पता नहीं जो दीक्षा भूमि में हर दशहरे को दिखता है। तो मैं उस नागपुर में आया। ये डर है, हम सब एक दूसरे को डर दे रहे हैं। मत जान, कुछ हो जाए। आप मुझे डर दे रहे हैं, मैं किसी और को डर दे रहा हूं। ये डरों का ट्रांसफर चल रहा है इस देश में। कोई वजह नहीं है कि हम इस वक्त में डरे। कारण एक है कि हम अपने अधिकारों को कम जानने लगे, हम अपने इरादों को, अपनी संभावनाओं को कम पहचानने लगे। इतना नहीं डराया जा सकता किसी को कि बोलना, मैं क्या बोलता हूं, बहुत साधारण सी बातें बोलता हूं। कोई झूठ बोलता है तो झूठ पकड़ लेता हूं, इतना ही तो करता हूं। और इतना सब आप सब अपने अपने जीवन में करते होंगे। क्या ये इतना बड़ा गुनाह है कि मुझे डर जाना चाहिए? आप बताइए, डर जाना चाहिए? मगर हिंदुस्तान का मीडिया डर गया दोस्तों। जो खुद को लोकतंत्र का चौथा खंभा कहता था, वो खंभा लाठी की डर से डर गया। पैसे की लालच के आगे बिक गया। कहीं मचने दीजिए, मैं सिर्फ संतरे के बाग के बारे में जानता हूं। हमें फिर से एक ऐसा समाज बनाना है, बनाना ही पड़ेगा, वरना हमारे बच्चे डर के माहौल में, नुकसान किसका होगा जो पहले से हाशिए पर है इस डर से, वो ज्यादा कीमत चुका है। सवाल मेरा नहीं है, मेरे जैसे लोगों को दो सेकंड के अंदर वो निपटा सकते हैं, नौकरी से लेकर तमाम जगहों से। पता चला YouTube से भी नहीं पहुंच पा रहा हूं, पॉडकास्टिंग भी बंद हो गई है। तो उस डर से हम सबको आजादी हासिल करनी है। एक दूसरे का सहारा बनिए, एक दूसरे की ताकत बनिए। जो आपसे असहमति रखता है लेकिन डरा हुआ है,
उसको भी मदद कर दीजिए। हमसे रखो असहमति मगर हमसे मत डरो, और तुम अगर डरा रहे हो तो हम तुमसे नहीं डरेंगे। और ये डराने की जो भावना है इसकी फैक्ट्री कहां से आई? न्यूज चैनल से आई, जहां रोज असहमति को एक नया नाम देकर डराया जाता है। रोज गोदी मीडिया सवाल करने को आपको आपको बता दिया जाता है कि आप देशद्रोही। हमारा सैनिक इसलिए जान नहीं देता कि सीमा के भीतर के लोग इतने बुजदिल हो जाएंगे कि सवाल भी नहीं कर पाएंगे। हमारा सैनिक इसलिए जान देता है कि सीमा के भीतर के लोग उसी तरह से बेखौफ होकर जैसे वो गोली खा गया लोग सवाल पूछते रहे। सवाल पूछना बहुत जरूरी है, इससे ताकत आती है। आप जब सवाल पूछने चलते हैं तो सूचनाओं को जमा करते हैं, तरह तरह से जानकारियां जमा करते हैं, तब जाकर आप सवाल पूछते हैं। लोकतंत्र में नागरिक का दायित्व निभाने के लिए जानना और पूछना दो बुनियादी जरूरतें। आप जब तक पूछेंगे नहीं आप जानेंगे नहीं, और जब तक जानेंगे नहीं आप पूछ नहीं पाएंगे सही सवाल, तो सारा कुछ विरोध में चला जाएगा, सवाल खत्म हो जाएगा। तो जानने के सारे रास्ते बंद कर दिए गए। आप किसी भी न्यूज चैनल को देखिए, एक हफ्ता तक देखिए, अंदाजा लगाइए कि ये बता रहा है या कहीं और भटका रहा है। आप खुद तय कीजिए कि जो एंकर बैठा है उसके पास बताने के लिए कुछ है भी, क्या वो बहुत मेहनत से खोज कर लाया है। बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं कि जो वो रिपोर्टिंग करके लाया है उसमें मेहनत है या नहीं है, उसमें नई जानकारी है या नहीं है। अगर नई जानकारी वो नहीं दे रहा है, सिर्फ भटका रहा है, तो ये आपके वो वहां बैठकर आपके सामने आपको बिठाकर आपका आपकी नागरिकता का आपके नागरिक बोध का अपमान कर रहा है। आप अपने साथ ये अपमान मत होने दीजिए। ये जो रोज रात को जो चल रहा है टेलीविजन पे और दिन रात जो चल रहा है जिसमें एक भी फैक्ट अब वेरीफाई नहीं किए जाते, इससे सतर्क रहिए। कम जानकारियों से लैस नागरिक समाज खतरनाक होता है, और कम जानकारियों से लैस नागरिक समाज को ही संकीर्णता रूढ़िवादिता सांप्रदायिकता की तरफ मोड़ा जाता है, बहुत आसानी से मोड़ा जा सकता है। सांप्रदायिकता वो चीज है जो एक नागरिक को जो एक इंसान को मानव बम में बदल देती है। तो इस प्रक्रिया को रिवर्स करने के लिए आपको जानने की प्रक्रिया की तरफ जाना पड़ेगा। हम सब इस मुगालते में हैं कि हम जान रहे हैं, लेकिन जिन माध्यमों से आप जान रहे हैं दरअसल वो तो आपको बता ही नहीं रहे। वो बताएंगे तब तो आप जानेंगे। कोई यूं ही झटके में आके नहीं कह दिया कि आप 2.5 महीने न्यूज चैनल ना देखें, नहीं, बहुत सोच समझ के अभ्यास के जरिए देखा है और महसूस किया है, और ये समझा है कि ये प्रोजेक्ट क्या है, ये डब्बा जिसमें से जानकारी जमा करने का जो तंत्र होता है संवाददाताओं का उसको ध्वस्त किया गया, और ये 4-5 बंदर किस्म के एंकर लाए गए, और ये एंकर बंदर को बंदरों की तरह हरकत तभी कर सकते हैं जब वो सूचना विहीन हो, जब उनके भीतर जानकारी नहीं। जानकारी जब आपके भीतर आ जाएगी तो इसका मतलब ज्ञान आ जाएगा, आप में गंभीरता आ जाएगी, फिर आप उदंडता के रास्ते पर नहीं जाएंगे। वो जिस तरह से भाषा बोली जा रही है वो सवाल पूछने की हर छोटी छोटी संभावनाओं को हड़काने की भाषा है। मीडिया का काम है कि वो नई नई सूचनाएं आप तक पहुंचाए और आपको सवाल पूछने के लिए, सवालों से नई नई जानकारी के लिए सक्षम करे। अफसोस है, मैं कहता हूं कि आप
एक बार फिर से उसी अखबार को ध्यान से पढ़िए एक हफ्ते तक, जो उसकी पहली खबर है उसमें बताया जा रहा है या उसमें भटकाया जा रहा है, जो टेलीविजन के जो मुद्दे हैं वो एक ही भाव के आसपास हैं या नई नई खोज या सूचनाओं पर आधारित है, आप देखिए। अगर आपको लगता है कि ये तब भी देखा जाने लायक माध्यम है तो आपका फैसला सर आंखों पर, वरना मैं कहता हूं कि ये चैनल मत देखिए ढाई महीने तक। वैसे भी आप साल में चार दिन, पांच दिन, दस दिन, महीने भर नहीं देखते हैं, क्या फर्क पड़ जाता है, आप मत देखिए। ये बहुत खतरनाक खेल खेल रहे हैं, ये आपका आप अपमान कर रहे हैं, आपके नागरिक बोध को कुचल रहे हैं। एक डरा हुआ पत्रकार लोकतंत्र में मरा हुआ नागरिक पैदा करता है। हमारे मीडिया, हमारा जो मीडिया है वो डरे हुए पत्रकारों का समूह बन गया है। हम सब आपको नहीं बचा रहे, अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं, गोदी मीडिया के लोग। तो जो अपनी नौकरी बचाने में लगा है आप उसके साथ समय गंवाना छोड़ दीजिए, खुद स्वाध्याय में लगिए, अपने मित्रों से अपने सरकारी पब्लिक पॉलिसी के अनुभवों को जानिए, दूसरों को बताइए। कोई चारा आपके पास नहीं है, आप फंस गए। टेलीविजन और अखबारों ने जो ये कह के निकला था कि हम जगाएंगे लोगों को, उसने आपको फंसा दिया है। आप रोज ये बात टेस्ट कीजिएगा कि इन अखबारों और टेलीविजन के संपर्क में आने के कारण आप कितना कमजोर हो गए, क्योंकि वो सवाल नहीं करता है। आपको लगता है आपके साथ कुछ हो जाएगा तो कोई सवाल नहीं करेगा। सवाल नहीं करने का जो एक व्यापक माहौल बना है उसको तोड़ने का यही एक रास्ता है कि जो सवाल नहीं करता है उससे हम मुंह मोड़ लें, और कोई लोकतांत्रिक रास्ता तो है नहीं। मीडिया के इस खतरे को समझना है कि जो संविधान ने हम सबको अधिकार दिया है वो रोज रात को आकर उस अधिकार में से बंटवारा करता है, वो बांटता है कौन देशभक्त है और कौन देशद्रोही। इसकी कल्पना संविधान में नहीं, वो रोज रात को खुलेआम कर रहा है। इसका मतलब है कि उसे संरक्षण प्राप्त है, उसे कोई मान्यता दे रहा है, और जहां से उसे ये मान्यता मिल रही है उसे अगर लोकतांत्रिक आदर्शों में यकीन होता तो वो खुद कहता कि ये कैसा मीडिया है। हमें ऐसा मीडिया पसंद नहीं है। किसी भी व्यवस्था का मूल्यांकन करने के लिए बुनियादी शर्त ये है, आप किसी भी राजनीतिक दल के हो सकते हैं, किसी को भी आप सपोर्ट कर सकते हैं, मगर सूचना ग्रहण करने के रास्ते को आप इस तरह से मरते हुए देखेंगे तो आप एक अच्छा सपोर्टर भी नहीं बन पाएंगे। क्या आप अंधेरे में रहकर किसी दल का समर्थन करना चाहते हैं, किसी राजनीति का समर्थन करना चाहते हैं? नहीं, इससे हम अपने नेताओं को कमजोर कर देंगे, हम खुद तो कमजोर हो ही रहे। तो मीडिया ने क्या किया कि जो समाज में व्यवस्था के कारण, सरकारी व्यवस्थाओं के कारण और सामाजिक व्यवस्थाओं के कारण ज्ञान की जो असमानता थी उस असमानता को और चौड़ा किया है। सूचना ही नहीं है आपके पास, आपकी डिग्री भले अंग्रेजी की है पर सूचना नहीं है, तो वो आपको नागरिक के तौर पर परफॉर्म करने के लिए तैयार ही नहीं किया। अपने अपने जुगाड़ में है सब। तो टेलीविजन और अखबारों को बहुत ध्यान से देखिए, इसकी कमजोरी इस बात का प्रमाण है। बहुत कुछ खत्म हो गया है, होने वाला नहीं है, वो हो चुका है। इसीलिए हमारा माध्यम जो है वो तीन तीन हफ्ते, दो दो महीने तक पद्मावती फिल्म पर डिस्कशन करता है। उससे क्या मिला? दो चार पन्नों का कोटेशन लेके कर देने से परंपराएं पुनर्जीवित नहीं होती। यही करना था तो जरा ढंग से पढ़ के आते, पद्मावत को बांच देते टीवी पे। वो आपने नहीं किया, तो तरह तरह के बहाने ढूंढकर इस ज्ञान की असमानता का लाभ उठाकर आपको रूढ़िवादिता की तरफ धकेला जा रहा है, कंजर्वेटिज्म की तरफ धकेला जा रहा है। ये अच्छा नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी हो गई है। अगर आप सोच रहे हैं कि किसी चुनाव से इसका फैसला हो जाएगा, नहीं। जब समाज में इतनी कमजोरी आ जाए और इतना भय आ जाए तो उसे एक स्वाभाविक स्तर पर लाने में बहुत लंबा वक्त लगता है। If you like our channel, please subscribe, and to get notifications about news, please click the bell icon.